नमस्कार, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही फटाफट बनने वाली फूल गोभी की सब्जी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा राई डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 6-7 लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन यहाँ पे थोड़े से फ्राई होने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ 3-4 हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरीके से लंबे साइज में कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको चम्मच से दबा रही हूँ ताकि इसका जो तीखापन है वो पूरे अच्छे से सब्जी में लगे। तो इस तरीके से हमें मिर्ची को दबाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से करी पत्ते के लीव्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब फूल गोभी ली है, जिसे मैंने 2-3 पानी से धो के अच्छे से कट कर लिया है। अब वो डाल दूँगी इसमें और इसको चम्मच से मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये मिक्स होने के बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी। तो यहाँ पे मैं अभी इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी और साथ ही इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको 8 से 9 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो 8 से 9 मिनट के बाद यहाँ पे सब्जी आधी पक गई है, तो हमें सब्जी को आधा ही पकाना है। तो इस तरीके से मैंने चम्मच से सब्जी को साइड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी साइड में और यहाँ पे सब्जी को इसके ऊपर कवर कर लूँगी। इस तरीके से कवर कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि टमाटर का जो फ्लेवर है वो सब्जी में बहुत ही अच्छे से आएगा। तो 5 मिनट इसी तरीके से हम पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक थाली को ढक रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। अब 5 मिनट के बाद थाली को हटा के देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं और साथ ही हमारी जो सब्जी है वो भी अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे मैं अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो इससे इसका स्वाद और भी बढ़ेगा। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।